यादव यहाँ आओ। जी सर। ये लो ये चाबी रखो। हाँ, घर की रखवाली अच्छे से करना, हम लोग गांव जा रहे हैं। ठीक है सर। बिना भूले पेड़ों को पानी दे देना। ठीक है मैम। जी घर का ख्याल रखना, हम चलते हैं। अच्छे से जाइएगा मैम। यस कर ले यादव। जी मैम। मजा आएंगे यार। ये अरे यार, मेरे डैड ने मेरे रूम में एसी लगवाई है। मेरे डैड बहुत ही ग्रेट हैं। मैं जो मांगता हूँ मुझे दिलवा देते हैं। अरे यहाँ देखो, अरे इसे देखो। सुनो, मेरे डैड बता रहे थे कि इस फार्म हाउस में कुछ अजीब हुआ था। आओ सभी अंदर चलकर देखते हैं। चलो। हाँ क्या? हाँ तो अंदर क्या हुआ होगा? पता नहीं अंदर क्या हुआ। जब तू कुछ जानता नहीं तो बोल क्यों रहा है? ये डैडी से पूछेगा तो मार पड़ेगी ना। मैंने डैडी से पूछा पर उन्होंने बताने से मना कर दिया। हाँ क्या, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। चलो यार चलते हैं। ये डैडी से पूछेगा तो इसके डैडी मारने डालेंगे। प्लीज यार यहाँ से चलते हैं ना। ए तुम डरो मत वर्षा, अंदर क्या है चलकर देखते हैं ना। अरे नहीं यार। चलो सभी अंदर चलते हैं। चलो, चलो चलो। मुझे लगता है अंदर जाकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। ए धीरे चलो वरना वॉचमैन जाग जाएगा। चलो। ए बात मत करो, चुपचाप चलो। मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर सर, क्राइम स्पॉट यही है क्या? यस सर। वॉचमैन, वॉचमैन। जी सर। सुनो, कल तुम यही थे? हाँ सर। सर स्टेशन में इन्फॉर्म कर दूं क्या? नहीं, ये हाई प्रोफाइल केस है, कमिश्नर का ऑर्डर है, शांति से पूछताछ करें। तो फिर आपने मुझे क्यों बताया सर? ईमानदारी से काम करने के लिए आप जैसे अफसर को बताना जरूरी है। थैंक यू सर। ए डेड बॉडी कहाँ? वहाँ ऊपर रूम में है सर। चलो आइए सर। मैंने फोन किया था क्या? मैंने नहीं किया सर। यहाँ क्या हुआ था? मुझे पता नहीं साहेब। मुझे भी नहीं पता सर। डरो मत, साहब बहुत अच्छे इंसान है। ये टकला ज्यादा दारू पी के सो गया था साहेब। अरे मैं कब दारू पी के सो गया था? मुंह बंद रखो। सर, सर, सर।
नाटक करते हो, दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। ए, मुंह बंद रखो अपना। तुम बताओ यहाँ क्या हुआ था? क्या हुआ था मुझे पता नहीं साहेब, कुछ आवाज आने पर आकर देखा तो ये खून में लथपथ पड़े थे साहेब। ये सब किसने किया? किसने किया मुझे नहीं पता साहेब, मेरी कसम मुझे सच में नहीं पता साहेब। एक सिगरेट दो। सच बताओ वरना पुलिस स्टेशन ले जाकर सचो गलवाना आता है हमें। चलो बताओ। कसम खाकर कहता हूँ सर, किसने किया क्यों किया मुझे नहीं पता सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो घर का काम करती है सर। ए, मैंने तुमसे पूछा क्या? क्यों मैडम, आप बात नहीं कर सकती? हमें फोन किसने किया था? मैंने सर। तुमने? मलिक, ये बात किसी को पता ना चले। लेकिन सर कुछ क्लू मिलेगा ये सोचकर मैंने इसके पापा को बताया। अब तक तो इनके पापा को आ जाना चाहिए था। ये देखिए वो रहा वो फार्म हाउस। राकेश के पिताजी है ना? हाँ। वो किस तरह का लड़का था आपकी नजर में? उसका कोई दुश्मन है क्या? घर में उसका बर्ताव कैसा था? कोयल की तरह एकदम शांत रहता था साहब। ये कोयल नहीं कौवा था। बहुत गलत किया होगा इसीलिए किसी ने जान से मार दिया। गलती सभी से होती है साहब, मुझसे भी होती है, इससे भी होती है, सभी से होती है साहब। क्यों आपसे गलती नहीं होती है क्या? इसे गाली मत दीजिए साहब, ये मर चुका है। क्या आपको किसी पर शक है? एक बार उस लड़की से बात कर सकते हैं? ठीक है, आप जाइए। पैदा होते ही अपनी मां से दूर हो गया था। मुझे जब पता चला कि वो तुमसे प्यार करता है तो मैंने सोचा कि ठीक है, उसकी मां नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम उसके जीवन में तुम्हारा प्यार तो है। लेकिन ये खुशी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। रोइए मत अंकल, प्लीज। सच में राकेश बहुत अच्छा लड़का था अंकल। उसने कभी भी आपके सामने प्यार नहीं दिखाया अंकल, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करता था, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मुझे पता है बेटी, बचपन में जब वो मेरे सीने पर लात मारता था तब भी मुझे दर्द नहीं होता था, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है सुनकर मेरे दिल में बहुत तकलीफ हो रही है बेटा। ये सब कैसे हो गया? हम यहाँ बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आए थे अंकल, बाद में देखा तो मैं शादी करूंगा कह रहा था, लेकिन इतनी जल्दी भगवान के पास क्यों चला गया? सर आपको बुला रहे हैं। डिस्कशन खत्म हो गया। बेटे को अच्छी परवरिश दी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। कोई माँ बाप अपने बच्चे को बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन बच्चे बिगड़ जाए तो हम क्या करें? इसमें पेरेंट्स की क्या गलती है बताइए। मलिक सर, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद बॉडी को हॉस्पिटल ले जाना। ठीक है सर। मेरा बेटा नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा।
कभी नहीं आएगा। जाओ। ठीक है सर। ये लीजिए साहब जी, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। बेटे की जन्म की खुशी मनाने से पहले मुझे पत्नी की मौत का गम मनाना पड़ा था। उसके बाद ये सब, इसकी वजह से मैं पहले भी रोता रहा और आज भी रो रहा हूं। रो मत भैया, चलो घर चलते हैं। आपको देखकर मुझे मेरे पापा की याद आ रही है सर। आपने बेटा खोया, मैंने अपने पापा को खोया, हम दोनों कंगाल हो गए। ये सब विधि का खेल है बेटा। जब वो जिंदा था तो मुझे उसकी वैल्यू पता नहीं थी, अब मरने के बाद पता चल के, अब मैं जो दुख सह रहा हूं उसे कहां पता चलने वाला है। ओम सूर्य नमः। वाह क्या बात है सुरेश जी। नमस्कार, बहुत ध्यान लगाकर कर रहे हैं आप। हाँ, अरे कुछ नहीं, मेरे बेटे को अमेरिका में नौकरी मिली है ना, इसीलिए प्रार्थना। क्या बात कर रहे हो, अमेरिका में मिला है? आपका बेटा तो लड़कियों के पीछे घूमता था। वो पुरानी कहानी है, मेरे बेटे को अमेरिका में एक अच्छी पोस्टमैन की नौकरी मिली है। पोस्टमैन की नौकरी का मत समझना, इंडिया में पोस्टमैन साइकिल चलाते हैं, वहाँ पे कार चलाते हैं पोस्टमैन। अरे कुछ $10,000 मिलने वाले हैं उसे। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम चलते हैं। इनकी फैमिली का बेटा अमेरिका में काम कर रहा है, उसका बेटा खुद ही गया गुजरा है और मेरे बेटे के बारे में बात करता है। क्या बात है पापा, मेरे बारे में उन लोगों के सामने तारीफ कर रहे थे। अरे बेटा नालायक हो तो क्या हुआ, लोगों के सामने तारीफ तो करनी पड़ती है ना। देख लीजिएगा पापा, एक ना एक दिन आप मेरा नाम शान से लेंगे, याद रखिएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे सामने भीख मांगूंगा। ठीक है, तुम ही मांग लेना, वैसे ऐसा होगा नहीं कभी। मुझे भीख मांगना होगा पापा? पापा वो तो पापा। क्या बात है बेटा, बहुत शर्मा रहे हो, क्या बात है बोलो तो। ठीक से बात कीजिए पापा। हाँ? अरे बोलो तो, बात क्या है, शर्मा क्यों रहे हो? मैंने प्यार किया है। हाँ हाँ। ये गीता है। गीता तुमसे प्यार करती है क्या? जरा इधर आओ बेटी, तुम यही रहो। इसके चक्कर में क्यों पड़ी हो, किसी और को ढूंढ लो, बर्बाद कर देगा तुम्हारी जिंदगी। पापा गीता से धीरे से बात क्यों कर रहे हो? अरे हम धीरे ही बात कर रहे हैं, रुको अभी जोर से बात करता हूँ। इसका चक्कर छोड़ो, कोई और ढूंढ लो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा ये नालायक लड़का। पापा, सिर्फ प्यार करती हो या शादी भी करना चाहती हो? आप मान जाएंगी तो शादी हो जाएगी। आशीर्वाद दीजिए पापा। ऑल द बेस्ट। मैंने कहा था ना गीता, मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान है। ये धुआं कहां से आ रहा है? सुनो राकेश, क्या हुआ, यहाँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं पापा। सही सही बताओ, छुपाओ मत मुझसे। झूठ बोलता है मुझसे, जब मैं खाना बनाता हूँ तो बोलता है धुआं आ रहा है, और सिगरेट पीने में तुम्हें धुआं नहीं आता है? धुआं नहीं आता है? अब मेरी बात क्या बात है? कुआं और पानी, धूप और बारिश, अच्छाई और बुराई। अच्छाई तुम्हारे पास कहाँ है? अच्छाई तो मेरे पास नहीं है, जो बुराई आपके पास नहीं वो मेरे पास है। ओह, तुम्हारा तो ज्ञानोदय हो गया है। अरे पापा, अरे पापा छोड़ दो पापा। तुम वापस नहीं आके बेटा, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा जिंदा रहोगे, हमेशा जिंदा रहोगे। एक बार इस बात के दर्द को जान लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। एक बार आकर देख लो बेटा, एक बार देख लो, एक बार देख लो, देख लो बेटा, देख लो एक बार। सर, हाँ सर, ओके सर, मलिक स्टेटमेंट लेकर आ जाना। ओके सर। हेलो सर, हाँ मैं आपके पास ही आ रहा हूँ सर। ओके सर। आपका नाम? वेदा। पूरा नाम बताइए। वेदविका गीता। इस डेड बॉडी का नाम? राकेश। राकेश से आपका क्या रिश्ता था? He's my friend, sir.
फ्रेंड है? फ्रेंड के साथ आप फार्म हाउस में क्या कर रही थी? Actually, he is my boyfriend, sir. सच बताओ, उसकी हत्या किसने की? मुझे नहीं पता सर, सुबह उठकर देखा तो ये मेरे पास नहीं था। जब मैंने हॉल में आकर देखा तो ये खून से लथपथ पड़ा था। ठीक है, तुम जाओ। यादव जी। हाँ, आ रहा हूँ सर। अब तुम बताओ। मेरा नाम शंभू यादव है सर, मैं यहाँ वॉचमैन का काम करता हूँ सर। यहाँ जो कुछ भी हो सर, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। ठीक है, जाओ। ठीक है सर। कांताबाई, बताइए। साहिब, मेरा नाम कांताबाई है, मैं इस घर में खाना बनाती हूँ साहिब, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, तुम जाओ। वॉचमैन, ए वॉचमैन। हाँ सर। बिना परमिशन के किसी को अंदर मत जाने देना। ठीक है सर। यहाँ का इंस्पेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसा बोलो सर। ओके सर। ए बुजी। हाँ मैडम। क्राइम स्पॉट वही है ना? ये सब आपको पहले से ही कैसे पता चल जाता है? मेरा नाम क्या है? क्राइम जर्नलिस्ट श्वेता। क्राइम जहाँ जहाँ होगा श्वेता वहाँ रहेगी। तुम अपना काम करो। मैडम, क्या हुआ? इस तरफ से एंट्री नहीं है। हाँ तो चलिए। कहाँ गया? ये क्या मैडम, इस तरह का जंप करना कहाँ से सीखा? जब मेरे माँ बाप मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर रहे थे, उसी वक्त मैंने इस तरह जंप करना सीखा। ओह, तो शादी आपको पसंद नहीं है क्या? मैं एक क्राइम जर्नलिस्ट हूँ, मुझे इतना बड़ा क्राइम करना पसंद नहीं है। शादी करना इतना बड़ा क्राइम है क्या? उन्हीं से पूछो। ए रुको रुको। हाँ? सामने पुलिस जीप है, मतलब इस एरिया का इंस्पेक्टर बादशाह है ना? हाँ मैडम, मैं बाहर गेट से देख रहा था तो मुझे एक पुलिस वाला दिखाई दे रहा था। ओह शिट, अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों यहाँ हैं, तो हमारी कहानी यही खत्म हो जाएगी। अब क्या करें? ठीक है, चलो चलते हैं। ओके मैडम। मैडम, यहाँ तो कोई नहीं है। रुको रुको। हाँ? वहां जाओ, वहां जाकर देखो। ओके मैडम, मैं देखता हूँ। मैडम, यहाँ कोई नहीं है, चलो आगे देखते हैं। मैडम जल्दी आओ, मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है, बेकार में दौड़ा रही हो। चुपचाप चलो। कैमरा ही मेरा वेपन है मैडम। अरे हीरो, डायलॉग मत मार। अरे मैडम, आपकी शादी हो जाती तो मैं आराम से घर में रहता। अरे शादी किसी क्राइम से कम नहीं है बुजी। क्या मैडम, कैसी बकवास बातें कर रही हैं आप। ठीक है, जाओ शूट करो। ए तुम लोग कौन हो? सर मैं जर्नलिस्ट श्वेता हूँ, ये मेरा कैमरामैन बुजी है। परमिशन है क्या तुम लोगों के पास? परमिशन है सर। ठीक से लेटर देख लीजिए। ठीक है ठीक है, जाइए। थैंक यू सर, आ जाओ। अमो की बॉस, I'm fine. Hey, तुम यहाँ कैसे? नमस्ते मलिक भाई, अगर हमारे लिए कोई काम हो तो फिर बताइए ना। अरे यहाँ पर कुत्ते बिल्ली का केस नहीं चल रहा है, मर्डर केस चल रहा है। वैसे हमारी एरिया में फर्स्ट टाइम मर्डर हुआ है, मैं इसे सॉल्व कर दूंगा और अपने आप को अपडेट कर दूंगा। अरे हमारा इंस्पेक्टर बहुत सनकी है, अगर वो देख लेगा तुम लोगों को तो। मैं मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात सुनो, ओवर एक्टिंग मत करना और उसके सामने मत आना। इनको आप क्या समझ रहे हैं? इस एरिया के बहुत बड़े डिटेक्टिव हैं मिस्टर राघव सर। सही है ना बॉस? गुड, चलो आगे चलो। चलो चलो।
बॉस टच करो। hey, इसे टच करने के लिए कहा था, मुझे टच कर रहे हो? नोट कर लो यार। ओ, ओ, आपकी एज लिख दूं बॉस? अगर दोबारा मेरी एज के बारे में बात की ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, याद रखना। सॉरी बॉस, बॉस मुझे एक डाउट है। वो क्या है? आपका जन्म 1947 में हुआ था। फिर से एज की बात कर रहे हो तो? ऐसी बात नहीं है बॉस, आपके जन्म के बाद आजादी मिली थी क्या बॉस, यही पूछ रहा हूं। नोट करो जो मैं कह रहा हूँ, वो नोट करो। आप कुछ बताएंगे तब तो नोट करूंगा सर, आपने कुछ बताया नहीं। जब बताऊंगा तब नोट करना। बताइए बॉस क्या नोट करूं मैं? ये जो मर्डर है ना, मुझे लगता है कि रात के समय हुआ होगा। अब टाइम कितना हुआ है बॉस? 8 AM। इसका मतलब रात बीतने के बाद ही आए ना बॉस। बॉस बोलो, ये लड़का है या लड़की? ये तुम्हें कुछ अलग दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर, वो थोड़ा राइट से। कैसे इंसान हो तुम सर? इस इन्वेस्टिगेशन को हम नेक्स्ट लेवल में कैसे लेकर जाएं सर? सॉरी बॉस, सॉरी। ए, वो साइको आ रहा है, थोड़ी देर के लिए तुम लोग अंदर जाओ, चलो। सर मुझे अच्छे से जानते हैं, कोई हेल्प चाहिए तो पूछता हूँ। जितना बोला है उतना करो, चुपचाप अंदर जाकर छुपो। के चिल्लाओ मत, चलो सो चलो, हम जाके देखते सर। अरे 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 अरे, यहाँ क्या चक्कर लगा रहे हो? अंदर जाओ, अंदर जल्दी जाओ, अंदर। संभल कर आ जाते हैं, बस इन्हीं की कमी थी। तुम जाओ पहले। हे श्वेता, तुम यहाँ कैसे? कौन है ये? बस हाँ, आप 1947 है, ये 1990 है सर। दोबारा मेरी एज के बारे में बात किया तो क्या मुसीबत है? वैसे कौन है आप? मैं हूँ डिटेक्टिव राघव। इनके बारे में क्या बताऊँ मैडम, इस एरिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव हैं मिस्टर राघव सर। पागल लग रहा है। ए, पहले यहाँ से अंदर जाओ। आप आइए बॉस, अंदर जाकर बैठो। आप बाहर जाइए, बाद में बात करते। हाय, आई एम जूनियर डिटेक्टिव पवन। ए, तुझे अलग से कहना पड़ेगा। आया बॉस। पागल लोग, पता नहीं कौन है बॉस। बॉस हम इतने फेमस डिटेक्टिव हैं, हमें छोटे मोटे चोरों इतना छुपना होगा बॉस। उस इंस्पेक्टर का मेरा 36 का आंकड़ा है यार। क्या इंस्पेक्टर के साथ आपका 36 का आंकड़ा है क्या? कुछ दिन पहले उसके फ्रेंड ने मुझसे पंगा लिया, मैंने उसकी धुलाई कर दी थी। हाँ क्या? मैं उस पर कहाँ गया था बॉस? तुम्हें एक बात और पता है क्या? वो क्या बॉस? जब वो चलता है तो लंगड़ाता है, तुमने देखा क्या? हाँ देखा बॉस, वो ऐसे चलता है। उसे लंगड़ा बनाने वाला मैं हूँ। हाँ क्या बात है बॉस, आप तो सुपर बॉस है सर। और वो वीडियो यूट्यूब में वायरल भी हो गया है, ये देखो। दिखाइए, देखो फाइट है सर। ओह गॉड बॉस, डिटेक्टिव राघव तू ही है ना? नहीं हूँ। कौन हो तुम? तो अबे तूने मुझे मारा? तुम लोगों किसने भेजा? बताओ मुझे किसने भेजा? बताओ किसने भेजा? चुपचाप बताओ किसने भेजा? उस बादशाह ने तुम्हें भेजा है ना यहाँ पे? चलो भागो, चलो यहाँ से। अच्छा तुम्हारी कहानी खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। बारा बादशाह, बारा, ए खत्म कर दो उसे।
आओ जल्दी। अटैक। गन मुझे दे। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। चल गाड़ी निकाल। बॉस इतने दिन ये बात मुझे पता ही नहीं थी। बॉस आप साधारण नहीं हो। बॉस इतने दिन मैं आपको 000 समझ रहा था बॉस, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको सच में हीरो 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 कहने का मन कर रहा है बॉस। बॉस एक मिनट रुकिए, मैं बाहर जाके देखता हूँ क्या चल रहा है। देखो जा बॉस, काम करने वाली बात मस्त है। ए तुम लोग इतनी जल्दी बाहर क्यों आए? इंस्पेक्टर तो चलेगा ना सर, अब आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ क्या बात कर रहे हो सर, इंस्पेक्टर भी चले गए? मतलब दूसरा मर्डर हो गया क्या? ओह माय गॉड, अभी एक केस खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू हो गया। ए, इंस्पेक्टर बाहर गए हैं, ऊपर नहीं गए हैं। अच्छा वो बाहर गए, इन्वेस्टिगेशन में कंफ्यूज हो गया। ए, फोटो निकालो। हाँ। ठीक से फोटो खींचो। फोटो खींचो क्या? एक मिनट सेल्फी। हाँ सेल्फी। ए जरा इधर आओ तो। सेल्फी लेने के लिए नहीं कहा था? डेड बॉडी की फोटो निकालो। डेड बॉडी की बॉस? और क्या है ना सर, ये मेरी पहली इंक्वायरी है सर, तो याददाश्त के लिए मैंने सेल्फी ले ली सर। मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो तुम? अगर ऐसे करोगे ना तो ये तुम्हारी लास्ट इन्वेस्टिगेशन होगी। ओके सॉरी बॉस। ए फोटो खींचो, उस तरफ से, उस तरफ से। तुमसे 2000 लेकर मैं अब तक चुप था, लेकिन अगर ये बात इंस्पेक्टर को पता चल गई ना, ये लो पकड़ो। नो प्रॉब्लम, ये लीजिए सर, इस केस को जल्द से जल्द खत्म करके आपको SI का प्रमोशन दिलवाऊंगा। याद रखिएगा मेरा नाम डिटेक्टिव राघव है। और हाँ याद रखिएगा, मेरा नाम है जूनियर डिटेक्टिव पवन। एक सेकंड, पांडे तो है लेकिन पांडे का बाप कहाँ है? अपना काम करो ना। सॉरी बॉस। टन 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 टन। हैंडजॉब गन नीचे करो। अरे अरे वो खिलौने वाली गन नहीं है, नीचे करो। हाथ ऊपर हाथ ऊपर। अरे नीचे करो गन। सॉरी अरे पागल हो गए हो क्या सर? कैसा लगा मेरा गन पकड़ने का स्टाइल सर? पुलिस की जेब से? तुमने जो किया वो क्राइम है, तुम्हें जेल हो सकती है। चुराइए सर। सर मैं ऑलरेडी बहुत से क्राइम करके जेल जाकर आया हूँ सर। सर जो भी हो जाए इसे मैं क्लू के लिए लेकर आया हूँ सर, आप अच्छे से देख लीजिए और इसे अपने पास रखिए सर। ऑल द बेस्ट सर। जाकर अपना काम करो। क्या मुसीबत है। बॉस 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 मुझे एक डाउट आया बॉस। मेरे हिसाब से वो कातिल यहीं कहीं पर छुपा हुआ है, उसे ढूंढने के लिए आया हूँ बॉस मैं। वो जरूर इस चेयर के नीचे छुपा होगा बॉस। सर ऐसा मुझे शक है बॉस, मुझे लगता है कि इस चेयर पे उसकी हत्या हुई होगी। जाओ यहाँ से।
जाकर अपना काम करो। बॉस मुझे लगता है वहां जाकर ढूंढने से कुछ मिलेगा। बॉस हाँ मुसीबत है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? माफ कर दो। जाकर अपना काम करो। बॉस तुम हो या मैं हूँ? सर बॉस आप ही ना। ये सनग्लास मुझे दो। ये लीजिए सर। जाओ जाओ यहाँ से। ओके सर जाओ। सर पता नहीं कैसा बॉस है, खुद भी काम नहीं करता, मुझे भी काम नहीं करने देता। सर बड़ा अंडरवियर आपको चाहिए? सर बड़ा अंडरवियर आपके लिए। अरे क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? ओके सॉरी सर। जाओ यहाँ से जाओ काम करो। सॉरी सर। बॉस क्या देख रहे हैं? बॉस आई एम ऑन ड्यूटी। बॉस ड्यूटी ड्यूटी बॉस बॉस ड्यूटी। बॉस वहां देखिए, बॉस वहां देखिए, यहां पे कोई भी नहीं है। पागल हो गए हो क्या तुम? ओके बॉस सॉरी बॉस सॉरी 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 बॉस। आपको लगी तो नहीं बॉस। बॉस बताओ जरा फोटो कैसे? मलिक बॉस बॉस वहां देखिए। बॉस कौन है ये लोग? सर क्राइम स्पॉट को मार्केट बनाकर रख दिया है। सर ये कहां से आए मुझे पता नहीं है। जर्नलिस्ट श्वेता और कैमरामैन बुज्जी यहाँ क्यों आए हैं? इस केस की रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं? दीवार कूद कर अंदर आए क्या? क्या ये सब? क्या ये सब? अब क्या होगा मैडम? इंस्पेक्टर तो गुस्से में है। चुप करो सुनिए। इस तरह दीवार कूदने का काम ओलंपिक में किया होता तो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ले आते। ये भाषण क्यों दे रहा है? ये डिटेक्टिव अंदर कैसे आया? पता नहीं सर। ओ हेलो, आपने हमसे 2000 रुपए लिए? एक पुलिस वाला होकर झूठ बोल रहे हो आप? ए, तुम दोनों अंदर कैसे आए? तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? बॉस देखा आपने कितना झूठ बोल रहा है। चुप रहो, टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। ओके ए, ये सब क्या है? एक एक को देख लूंगा पर पहले ये मर्डर केस सॉल्व करने दो। स्टेटमेंट रेडी है? हाँ सर रेडी हो गया है। तो जाओ लेकर आओ, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ कैसे इन्वेस्टिगेशन? सीधा पुलिस स्टेशन जाकर स्टार्ट करते हैं ना सर। तो मुझे काम सिखा रहा है क्या? मुझे अपना काम करना अच्छी तरह आता है। ओके सर। क्राइम स्पॉट पे इन्वेस्टिगेशन करने का मजा ही कुछ और है। सर आप तो जीनियस है सर। ये उसे जीनियस कह रहे हैं, उसे आपके बारे में पता ही नहीं है। ओ छोटू जरा मेरा गन निकाल तो। अरे लड़कों का नाटक कुछ ज्यादा ही हो गया गुरुजी। चलो बैठो। सोशल मीडिया पर आप बहुत फेमस हो रहे हो गुरुजी। हाँ यहीं पर, यहीं पर, यहीं पर। ये ईस्ट कहाँ है? ओम शुक्लांबरधराम विष्णुम। ए, हम किसी मंदिर में आए क्या? नहीं गुरुजी। है? डेड बॉडी देखने आए हैं। चलो। सर कौन है आप? कहाँ जा रहे हैं? आई वांट डेड बॉडी। यस। डेड बॉडी? इनसाइड डेड बॉडी है? अरे ए, अरे ओ, रोको इसको। ये कौन है जानते हो तुम? जाना अंदर सर। सर मेरी बात सुनिए सर, वहाँ पे लाओ नहीं सर, सब पुलिस भी अंदर। यहीं पर कुछ है? गुरु जी, मेरे हिसाब से इधर जाना होगा। ए, ए, कौन हो आप? बिना परमिशन के यहाँ घुस नहीं सकते हो। ये बात अगर हमारे इंस्पेक्टर को पता चल गई ना तो क्या होगा पता है? कोई फायदा नहीं, इन्हें दिखा देते हैं। ये क्या है? फॉरेंसिक टीम से आए हो? इस एरिया में मैंने आपको कभी देखा नहीं। बता दे। या बताता हूँ, हमारे सर केवल सिलेक्टेड केसेस में ही इंटरेस्ट लेते हैं। इनका परिचय तो हो गया, अब तुम बताओ तुम कौन हो? वैसे मैं श्राद्ध करने वाला पंडित हूँ। आई मीन सर की तरफ से डील किए जाने वाले तमाम केसेस में, श्राद्ध की पूजा से लेकर विवाह की पूजा तक तमाम कार्यक्रम में ही डील करता हूँ। कमीशन चाहिए क्या? मुझे नहीं चाहिए। वैसे डेड बॉडी किधर है? आइए सर चलो। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या सुगंध है। सर ये फॉरेंसिक ऑफिसर साई है। जानता हूं कमिश्नर ने फोन किया था, यू कैन प्रोसीड। अब इन्वेस्टिगेशन ये करेगा क्या?
ये लोग कौन है और ये सूट वाला कौन है? ये डिटेक्टिव है। उसे तो मैंने कभी देखा नहीं। देखा तो मैंने भी आपको कभी नहीं। सुपर। हाँ। सर, पहले अपना काम कीजिए ना। वैसे तुम जर्नलिस्ट श्वेता हो ना? जी हाँ। तो मैं देखता हूँ टीवी पे, बहुत सुंदर हो। शादी हो गई क्या? बताया नहीं। हाँ? शादी करना इनकी नजर में बहुत बड़ा क्राइम है सर। ये कौन है? इसका नाम बुज्जी है। बुज्जी या भजिया? बुज्जी, श्वेता के साथ बुज्जी कैमरामैन। हाँ, हेलो सर। तेरा हाथ खाली है, मिला ले। हाँ गुरुजी, ग्लैड टू मीट यू। निकल ले। ये लड़की कौन है? इसका नाम वेदविका गीता है, ये राकेश की गर्लफ्रेंड है। हमें कुछ प्रूफ्स कलेक्ट करने हैं। आप सभी बाहर जाइए यहाँ से। हम क्यों बाहर जाएं? क्या है मैडम? सर, हम भी यहीं रहेंगे। हम यहीं रहेंगे? हाँ। उन दोनों का फिंगरप्रिंट ले लो। यस गुरुजी। क्यों, हमने क्या किया है? अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पता है ना क्या कर सकता हूँ। सर चलिए बाहर चलते। ओके लेट्स गो। ओके सर। हे बुज्जी, तुम्हारा भी वही हाल करूंगा। चलिए मैडम। तुम भी जाओ यहाँ से। जाओ जाओ जल्दी जाओ। जाओ जाओ जाओ। बस 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 वहां देखो बस। ए, वो मुझे दो। लीजिए गुरुजी। गुरुजी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। जेब में क्या रखा हुआ देखिए देखिए जरा। सारा माल डेड बॉडी से निकाल रहे हैं वो लोग। इस पर्स में क्या है? कर क्या रहा है? पर्स भी निकाल लिया बस। लक्ष्मी देवी। शिट बॉस, हम केस सॉल्व करना चाहते हैं बॉस, लेकिन सारा एविडेंस वो लोग लेकर जा रहे हैं। अच्छा सुनो, तुम जाकर उन सबको अंदर ले आओ। ओके गुरुजी। कितने दिनों से तुम इसे जानती हो? पिछले 2 साल से जानती हूँ मैं इसे सर। ये क्या सर, चैन और वॉच क्यों लेकर जा रहे हैं? लैब में भेजना होगा इन सारी चीजों को। पता नहीं क्या करने वाले हैं। सब कुछ आप ही लेकर जाएंगे तो हम क्या लेकर जाएंगे? हाँ, जरा इधर आओ तो। डेड बॉडी ने अंडरवियर पहना हुआ है, उसे लेकर के जा तू। ब्रांडेड है। सर इतना काफी है सर, इस केस को इजी से सॉल्व करने के लिए। चल छोड़ो। ओके गुरुजी, बाय। सर मर्डर स्पॉट देखा है ना? देखा है सर। क्या लगता है क्या हुआ होगा? जब कहीं भी मर्डर होता है सबसे पहले पुलिस डिटेक्टिव और जर्नलिस्ट काम करते हैं, वो सब तो यहीं पर है। अपनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस से स्टार्ट करते हैं। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या रहा है? बताओ तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से मर्डर कैसे हुआ होगा? अब इस साइको को कुछ नहीं बताऊंगा तो इतनी देर तक क्या कर रहे थे ये कहकर चिल्लाएगा। कुछ ना कुछ तो बता ही देता हूँ। सर क्या बड़बड़ा रहे हो? सर बताता हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया है सर। बताओ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ए डैडी थोड़ा साइड हो जा। अरे बहुत जगह जाना भाई,
कुछ भी बोलता बॉस। नमस्कार सर। सर बॉस ये क्या कर रहे हैं वहां पे? हे, वो वहां क्या ढूंढ रहा है? नमस्ते सर। सर हाँ बताओ। सर राकेश और विधवी का लवर्स है सर, वो दोनों वीकेंड एंजॉय करने के लिए फॉर्म हाउस आए थे। ए सर बेबी हम आ गए, बेबी आ गए। आओ ये मेरे फ्रेंड का फार्म हाउस है, यहाँ हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी डार्लिंग। हे तुम तो बड़े बेशर्म हो। आओ बेबी। क्या है बोलो? ओ बेबी तुम मेरा हाथ पकड़ के लेके जाओगे क्या? आज पूरी रात तुम मेरे साथ में रहोगी तो बहुत मजा आएगा। लालच लालच तो देखो बेबी। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? धीरे धीरे तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो बेबी, बहुत सुंदर लग रही हो। लव यू बेबी। थैंक यू। लव यू। वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल राकेश। और तुम भी। अब तक मैंने मेरे प्यार का इजहार किसी के सामने नहीं किया, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने करूंगी। आई लव यू इसलिए कि इस दुनिया में तुम्हारे प्यार से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। थैंक यू। लव यू डार्लिंग। इस दुनिया की सबसे कीमती चीज के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ वो सिर्फ तुम ही हो डार्लिंग। आई लव यू डार्लिंग। इसीलिए तो इतने दिनों के बाद भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ। तुम्हारी बातों ने मेरे मन को गुलाम बना दिया है यार। आई लव यू राकेश। तुम्हारी इन्हीं बातों को मैं हमेशा ही सुनना चाहता हूँ। तुम इसी तरह बात करती रहो और हमेशा खुश रहो डार्लिंग। आओ चलो अंदर चलते हैं। सर खाने के लिए कुछ लेकर आऊं सर? देसी मुर्गी का सालन और फिश फ्राई। मुझे भी चाहिए फिश फ्राई। ओके मैम। फिश फ्राई ना सर। वो पैसा सर? पैसा बस तो यहीं रखा था मैंने, कहाँ गया? ये लो रखो, टिप है रखो। ठीक है सर। बेबी कहाँ गए? कहाँ चुभी हो बेबी? लगता है अंदर चली गई क्या बेबी? अरे कहाँ चुभी हो बेबी? बेबी यहाँ भी नहीं हो क्या? लगता है बाथरूम में होगी। बेबी मैं आ रहा हूँ बेबी। हाँ बाथरूम में हो। हाँ बेबी। बेबी आई लव यू। पहले नहा करके आ जाओ बेबी, फिर साथ में डिनर करते हैं। सॉरी 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 सॉरी। बेबी तुम ही जाकर नहा लो बेबी। कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? तुम्हारे फोन में जो है। अच्छा वो लड़की मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड है तो क्या तुम्हारे पास इतना चिपक के बैठेगी? अरे वो तो मेरी बहुत पुरानी फोटो है, हम दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। तुम्हारे और कितने ब्रेकअप हुए हैं? अरे सिर्फ एक हुआ है। ओहो तुम लड़कियों से बात करके अपनी जान में फंसा कर इस तरह फार्म हाउस में लेके आना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है ना? अरे डोंट बी फूलिश डार्लिंग, आई रियली लव यू। ओह ये डायलॉग कितनी लड़कियों को कह चुके हो?
ये देखो, डोंट स्पॉइल आवर मोमेंट। हां, स्पॉइल करने वाले तुम हो। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। प्लीज बेबी, मेरी बात को समझो। नहीं समझना मुझे। प्लीज मेरी बात तो तुम्हारी सुनो। बात मैं कैसे सुन प्लीज, सकती हूँ। विश्वास करो। अब मुझे तुम पर विश्वास नहीं। यही तुम्हारा रियल कैरेक्टर है, लड़कियों को फार्म हाउस लाने के लिए मीठी मीठी बातें करके उन्हें धोखा देते हो। शिट, मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया था। प्लीज बेबी, सॉरी सॉरी बेबी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। जाओ, लेकिन एक रात मेरे साथ बिता कर जाओ। राकेश, चलो। राकेश छोड़ो मुझे। राकेश छोड़ो मुझे। राकेश छोड़ो। राकेश उसके बाद वेदविका के चिल्लाने की आवाज सुनकर वॉचमैन आकर देखा तो राकेश जमीन पर पड़ा था। उस वक्त वेदविका अनजान बनकर लाश के सामने नाटक कर रही थी। सर, इस लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाकर इंक्वायरी करेंगे तो मुझे लगता है ये भी यही बात बताएगी जो मैंने अभी बताई। रामगोपाल वर्मा की फिल्में ज्यादा देखते हो क्या? क्यों सर? मर्डर सीन में रोमांस क्यों ऐड कर रहे हो? तुम राघव हो ना? मैं सिर्फ राघव नहीं हूँ, डिटेक्टिव राघव हूँ। या तो बताओ मिस्टर राघव, मलिक की कहानी पसंद आई क्या? हंस क्यों रहे हो? अच्छी है सर, स्टोरी तो बहुत अच्छी है सर, सुपर। गेट वाले सिक्योरिटी को 100 रुपए देकर अंदर आयो और हमारे मलिक को 2000 रुपए दिए। अपनी स्टाइल में इन्वेस्टिगेशन करना ना। बताओ मिस्टर डिटेक्टिव, मर्डर कैसे हुआ? अगर बताओ, चलो। बॉस, सही बॉस, अच्छा मौका है। सर, इस बोर्ड का यूज कर सकता हूँ? कर सकते हो। ए, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ। ओह, I'm on the way, boss. छी, ये आपने कैसी ड्राइंग बनाई है सर? ये क्या है सर? छी 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 छी। ये देखने के बाद आपका मर्डर करने का मन कर रहा है बॉस। छी। ए, ड्राइंग पे फोकस मत करो, इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करो, समझे? सॉरी सर, मैं अब फोकस करता हूँ। सर, अरे रे रे सर, क्या ड्राइंग बनाई है सर आपने? आपकी बनाई हुई ड्राइंग सर इतनी अच्छी है कि आपके ड्रायर की कसम सर, सच में आप आर्टिस्ट हो सर। चुपचाप खड़े रहो। ए पवन, तुमने भी मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन में ट्रेवल किया है? हाँ जी सर, हाँ जी। अब तुम बताओ कि ये मर्डर कैसे हुआ होगा? मुझे बताने के लिए क्या रहे बॉस? ये मर्डर कुछ ऐसा हुआ होगा कि, एक्सक्यूज मी, आपके पास चौक है क्या? गन है, चाहिए क्या? सर, आपके पास पेन है क्या? टेक दिस। देखा आपने, मेरे बॉस के पास पेन तो है, आपके पास चौक भी नहीं है। बताओ यार। एक मिनट सर, वेट कीजिए। ये है हमारा हीरो, हैदराबाद आने के बाद एक फार्म हाउस में चला गया और फिर इसके अंदर हेलो बॉस, काम खत्म हो गया है। हाँ अच्छा, हाँ वो भी हो गया। हाँ, कैश रूम में रखा है। मैं अपने फ्रेंड के फार्म हाउस में रुका हूँ, सुबह ही आ जाऊंगा सर। बिल्कुल सर, टाइम पर आ जाऊंगा। ओके बॉस। सर, रात में अकेले सोए क्या सर? क्यों, कोई माल है क्या? है ना सर, माल बहुत सुपर माल है सर, लेकिन थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा सर। कोई बात नहीं, ले आओ। ओके सर। और उस एरिया की तमाम कॉल गर्ल्स की लिस्ट लाकर उसे दिखाने लगा। सर देखिए सर, पीकर आराम से सो जाओ, सुबह तक मुझे परेशान मत करना। थैंक यू सर। सारी रात दोनों मिलकर फुल एंजॉय करने वाले हैं। और फिर उसके बाद उस लड़की को लेकर राकेश रूम में चला गया। तुम बहुत सुंदर हो, नाम क्या है? सरला। सरला, मेरे करीब आओ ना। परफेक्ट।
अच्छी है। अच्छी है क्या? मेरे पास इसके बहुत सारे फ्लेवर्स है। डिनर करोगी क्या? मुझे भी बहुत भूख लग रही है। बिरयानी ऑर्डर करोगे तो मैं भी खाऊंगी। इस गैप में मैं भी थोड़ी अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। आओ सरला। और बॉस वहीं पर अपना हीरो अपनी प्यास बुझाते हुए बुझाते हुए बुझाते हुए जो कुछ नहीं करना था उसने सब कुछ कर दिया बॉस। उसके बाद क्या हुआ आप खुद देखिए। बेवकूफ कदे कहीं के, ये तुम कर क्या रहे हो? क्या हुआ सर, मेरा लास्ट सीन आपको समझ में नहीं आया क्या? सर वो किसी ने सही कहा ना, किसी अजनबी लड़की साथ सोना नहीं चाहिए वरना मर्डर हो जाता है। समझे? तुम्हें फिल्म की कहानी सुनाने के लिए नहीं बल्कि ये मर्डर कैसे हुआ ये बताने के लिए कहा है। सॉरी, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर धब्बा हो तुम, सारा मूड खराब कर दिया। अब तुम बताओ डिटेक्टिव, तुम भी अपने असिस्टेंट की तरह कहानी सुनाओगे क्या? कूल सर, मेरी ट्रेनिंग कैसी है वही चेक कर रहा था सर। बकवास है तुम्हारी ये टेस्टिंग वेस्टिंग, जान दे के टेस्ट करूं क्या? बताता हूं सर, शांति से सुनिए। अब मैं जो कह रहा हूं उसे सब लोग ध्यान से सुनेंगे। इस मर्डर केस में सिर्फ दो लोग नहीं हैं, वेदविका और राजेश के अलावा दो लोग और भी हैं। और भी दो लोग हैं? वो तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हो? आप अपनी क्रिएटिविटी में कितने भी कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो और अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। हम जैसे सीनियर्स को बर्बाद कर रहे हैं सर, बर्बाद कर रहे हो। दबा दूंगा। चुप रहो यार। ए ये क्या है तुम्हारा डायलॉग ये बोल रहा है? कूल सर कूल। उस रात ऐसा हुआ था कि हेलो सर। ओके सर, ठीक है सर, नमस्ते सर। यार सुन, ये मेरे फ्रेंड का फार्म हाउस है। अरे मस्त लग रहा है यार मामू, यहाँ पुलिस का कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना? अरे सब कुछ वो देख लेगा, तू बस एंजॉय कर। चलते हैं। अरे मामू चलो ना। ओके बेबी। चलो मामू, फ्रेंड बोले तो तू ही मामू, शराब भी पिलाया और फार्म हाउस में भी ले आए हो। लव यू मामू, लेकिन खाना नहीं खिलाया तुमने। हमें खाना वगैरह चाहिए होगा तो ये बना देगी, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? हे, आज वेदविका का बर्थडे है इसलिए पूरा ऑर्डर वेदविका ही देगी। यस, इट्स माय डे। चिकन फ्राई, एक अच्छा सा पाए का सूप, मटन में सिर्फ वेज फ्राई चाहिए, प्रॉन्स में प्रॉन्स पाए चाहिए और वेज में कुछ भी लेकर आइए, गोभी मशरूम कुछ भी लेकर आइए, जल्दी आइए। ठीक है मैडम, लेकर आती हूं। सुन लिया ना? हाँ। ए, थोड़ा पैसा ज्यादा दो। ये लो। सॉरी फ्रेंड्स, जाकर फ्रेश हो जाते हैं। चलो चल के फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश अप होने के बाद फिर से शराब पियेंगे, फिर से फ्रेश हो जाएंगे बेबी। बहुत नींद आ रही है। लव यू बेबी। तुम्हारे बर्थडे पर एक सरप्राइज दूंगा कहा था ना, ये जगह कैसी लगी? बहुत ही हॉट लग रही है। तुम इतनी बात के लिए इतना खुश हो जाओगी तो कैसे चलेगा? एक और सरप्राइज है। एक और सरप्राइज है? हाँ। वो क्या है बेबी? अभी नहीं बताऊंगा, उसके लिए टाइम है। लव यू बेबी। Happy birthday, Vedika. Happy birthday! Happy birthday, Vedika!
मुझे खिलाओ। हैप्पी बर्थडे वेदिका। थैंक यू। ओके गाइस, अब पार्टी सेलिब्रेट करें क्या? ये क्यों नहीं, तो पहले हम जाकर तैयारी करते हैं, बाद में तुम लोग आना। हाँ तो चलो। ए जल्दी मिक्स कर, ए करना जल्दी। वैसे तू अब किस कंपनी में काम कर रहा है? अरे तुम लोग आ गए। हाय, कम ऑन, नाइस अरेंजमेंट। ये पियोगी, ये ब्रीजर है। ओके, तो स्टार्ट करें। कम ऑन, चीयर्स। यस। अच्छा तुम लोगों की लव जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? पब में स्टार्ट हुई। पब में स्टार्ट हुई। उसी दिन हमने एक साथ डांस भी किया था। बाद में ये मेरे रूम में आई। हम दोनों की सोच एक जैसी है, इसलिए हम दोनों एक हो गए। अच्छा तुम दोनों कैसे मिले? एक्सीडेंट। जब मैं स्कूटी चलाना सीख रही थी तब एक दिन मैंने इन्हें टक्कर मार दी। मैं तो बहुत डर गई थी, मैं इसे देखकर बहुत डर रही थी और ये मुझे प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। बहुत दिनों से इसका पीछा कर रहा था मैं और आखिरकार पटा ही लिया। ग्रेट मैन, थैंक यू। इसी पीकर के सर घूमने लगा है। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, उसी का असर हो रहा है। जस्ट चिल। चलो चलो डांस करते हैं। हे डांस, लेट्स गो। चलो 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 चलो। रेनू,
राकेश, राकेश, Nothing happened, darling. Just enjoy. तो फिर तुम इतने दिनों से झूठ बोल रहे थे ना? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है बेबी, तुमने जो देखा वो तुम्हारा वहम है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते तो ऐसी हरकत कभी नहीं करते। क्या हुआ, क्या नाटक कर रही हो? इतना टाइम इसके साथ रही तब कुछ महसूस नहीं हुआ? हाँ, बेबी देखो, बेबी यहाँ देखो, आज की रात एंजॉय करते हैं ना? मैंने तुमसे कितना प्यार किया, मेरे सारे सपनों का, मेरी जिंदगी का जीवन साथी समझा तुम्हें, लेकिन तुमने तो मुझे धोखा दिया। छी, एक जोकर सबको हमेशा हंसाता नहीं है, सब जोकर के अंदर अलग अलग गुण होता है, कोई कोई राक्षस भी होते हैं। छी, मैंने तुम्हारी शक्ल देख के तुमसे प्यार नहीं किया, कदम कदम पर साथ दो के हमेशा मेरे साथ रहोगे ऐसा कहा था तुमने। एक प्यारी सी लव स्टोरी क्रिएट करके तुमने मुझे प्रपोज किया, मेरे से शादी करने का प्रॉमिस किया, सब झूठ बोला ना? हाँ झूठ बोला, बस तुम्हारे साथ टाइम पास करना था, लेकिन अभी तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है। बस आज की रात, आज की रात मुझे खुश कर दो, फिर जिंदगी भर तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। जितने भी पल मैंने तुम्हारे साथ बिताए वो सब मेरे लिए स्वर्ग जैसा था। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, लेकिन तुम जैसे अय्याश लोगों का एक लड़की से कभी दिल नहीं भरता। वैसे तुम लोगों ने उस ड्रिंक में मिलाया क्या था? तुम्हारे ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला? हाँ, व्हाट? तुम्हारे साथ वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मैं एंजॉय करूंगा, ऐसा मेरा प्लान था, लेकिन अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ। चल आ जा, आ जा, आज के रात में एंजॉय करते हैं। राकेश छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो ना राकेश, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज राकेश। तो ये है पूरी कहानी। आपकी कहानी से अच्छी तो मेरी कहानी थी बॉस। मुझे तो आपने चुप करा दिया और खुद ही हंस रहे हैं सर आप। पिछली बातें सारी भूल जाइए, वो पर्सनल था, ये प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल बनिए सर। बनूंगा बनूंगा, सबके साथ प्रोफेशनल ही बनूंगा। सुपर सर। श्वेता, दीवार फांद कर आई हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मर्डर? कहिए मैडम। क्या? ओके, परफेक्ट मैडम। सर, राघव जी ऑलमोस्ट सही कह रहे हैं, वेदविका के बर्थडे में सभी लोग आए थे, सब लोगों ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, ड्रग्स लिया। लेकिन क्या, वेदविका ने राकेश का खून नहीं किया, वंशी ने किया। यस।
उस दिन हुआ ये कि हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे वेदिका, थैंक यू। एक सेल्फी तो बनता है। राकेश, कम ऑन, हैप्पी बर्थडे वेदिका, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे वेदिका, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे वेदिका, कितनी बार विश करोगे? इस हसीना को जितनी बार विश करो उतना कम है। वामशी, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, ओके? हे हे ब्रो 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 चिल ब्रो। हे ब्रो, कूल ब्रो, हम बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। मैं भी तो बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूं। काम डाउन, मेरी बात सुनो। सुनो देदू, कूल कूल नशे में ऐसा कर रहा है, तुम सीरियसली मत लो। कूल यार, बेबी कूल, बेबी उससे गलती हो गई है, छोड़ दो। देखो पार्टी के मूड में ही सब। राकेश, सो राकेश का मर्डर करने वाला वंशी है। ओके ओके सर, आप हमें क्यों पूछ रहे हैं? आप सबकी कहानी सुनेंगे और हंसेंगे या फिर क्या हुआ है वो बताएंगे? बताता हूँ क्या हुआ होगा, मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले सर, आपने सबकी कहानी सुनी, मेरी भी कहानी सुनी है सर। भुजिया भुजिया खाने वाले तेरे जैसे आदमी की कहानी क्यों सुनूं? भाग जा। इन घोचू लोगों की बात सुन ली तो मेरी भी बात सुनिए ना। बॉस, अब इस जोकर की भी कहानी सुननी पड़ेगी क्या? सर एक चांस दीजिए ना। ठीक है, आ जा। आ रहा हूँ सर, वहाँ ऐसा हुआ होगा। ओके, ये सब बस करो बेबी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मैं भी। हम दोनों एक गेम खेलें क्या? कौन सा गेम? हॉरर गेम। इस टाइम पर यहाँ पे एक वॉचमैन है ना, वो हमेशा सोया रहता है, सो हम भूत का गेटअप बदल कर उसे डराते हैं। ओके। भगवान मुझे अंदर करो। बहुत मजा आया ना राकेश, उस आईने में देख के कितना डर गया ना। यहाँ पर तो उसकी तो हवा ही टाइट हो गई थी ना। ओके, इस हैप्पी मोमेंट पर लेट्स डांस। Thank you.
शानदार डांस कर रही है। राकेश, तो वहां पर ये हुआ होगा। हॉरर कहानी सुना रहा है? क्यों सर, पसंद नहीं आई क्या? चुपचाप भुजिया खा के अपनी जगह पे खड़ा रहे, वरना गोली मारकर भूत बना दूंगा तुझे। चल भाग। इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई, पसंद। हेलो, इधर ना। क्या है? मेरा पेन ले लो। आया बड़ा, मेरा पेन लेके जा रहा था। ए मलिक, सबको अरेस्ट करो, स्पेशली राघव और श्वेता को। अरेस्ट? ओके सर। वैसे सर, आप इन्हें अरेस्ट करने के लिए क्यों कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। सर, ऐसे देखकर हंसिए मत ना सर, आपको देखकर मुझे डर लग रहा है, कहीं आप मुझे ही ना अरेस्ट कर लें। तो इन्हें अरेस्ट करने से पहले क्या किया है ये जान लो। ये क्या कहना चाहते हैं सर? लास्ट वीक मुझे एक कॉल आया था। हेलो सर, एक बहुत बड़ी खबर है। इस जगह पर ड्रग्स का धंधा चलता है। मैं आपको व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजता हूँ। ओके, आप इसी वक्त वहां जाइए। राइट। अन्ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हाय। आज इसका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। इसीलिए यहाँ सेलिब्रेट करने आए। ओके ओके, एंजॉय एंजॉय। यस यस, ओके ओके, थैंक यू अन्ना, बाय। मैडम, हम यहाँ क्यों आए हैं? ए बुजी, सीक्रेट कैमरा रेडी है ना? हाँ मैडम। जब मैं कहूँ ऑन कर देना। ओके। आओ। यस मैडम। बॉस, यहाँ तो बहुत सारी कन्याएं हैं। बॉस, मैं इधर हूँ। बॉस, कितनी सारी लड़कियां हैं यहाँ पर। तू यहाँ लड़कियों के लिए आया है क्या? आप यहाँ लड़कों के लिए आए हैं बॉस? बॉस मैं हूँ या तुम? नहीं, बॉस बॉस आप ही है सर। मेरा मतलब कह रहे हैं बॉस, आकर अपना काम करो। काम के लिए बोल रहे सर? अब जाइए सर, मैं लड़कियां दिख के आता हूँ सर। हाँ बिल्कुल सर, चलो। डार्लिंग, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। यहाँ की तैयारी कैसी है? बहुत ही बढ़िया है राकेश। आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें जो मांगना है मांगो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ मांगूंगी। Hey guys, तुम्हारा फ्रेंड वंशी। What's up? Hey वंशी, कैसी हो? तू तो आ गया, तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? ब्रो, वो हमेशा अकेले ही क्यों आती है? मैडम मैडम मैडम, पहली बार पब में आया हूँ, पीने का मन कर रहा है, पीलू प्लीज मैडम? ठीक है, पर ज्यादा मत पीना। ओके मैडम, ओके ओके, ओनली टू पेग। ठीक है, जाओ। यस, थैंक यू। ए, आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। ओ हाँ, हैप्पी बर्थडे वेदविका। थैंक यू। आज वेदविका का बर्थडे है तो इसलिए उसे जो भी चाहिए, तुझे जो भी चाहिए और मुझे जो भी चाहिए, We will rock. इस पब में जिनको भी जो भी चाहिए सबको आज मेरी तरफ से पार्टी है। थैंक यू। एलिवेटर। ए यहाँ सर, मैनेजर को बुलाओ। ओके सर, जल्दी। के मैनेजर? हाँ सर, मैं मैनेजर हूँ। क्या यहाँ ड्रग्स का धंधा चलता है? ड्रग्स ही क्या कह रहे हैं सर, यहाँ से कुछ नहीं होता सर। वहाँ जो बैठा है सर, वो लड़का कौन है? हाँ भाई सर, वो हमारा रेगुलर कस्टमर है सर। तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ सर। आर यू श्योर? 100% श्योर सर। ओके सर, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी मुझे प्लीज कॉल कीजिएगा। ठीक है, जाओ। ओके।
ये पब गए थे ड्रग्स का पता लगाने के लिए, आप इन्हें क्यों फॉलो कर रहे थे? राकेश को जो पैकेट दिया गया था मुझे लगा उसमें ड्रग्स है। मैंने ड्रग्स की तलाश की पर मुझे नहीं मिला, वो पैकेट देने वाला भी नहीं मिला। मतलब आपको पब के अंदर कुछ नहीं मिला? हाँ उस दिन कुछ नहीं मिला, लेकिन जहां राकेश का मर्डर हुआ था वहां राकेश के बैग में ड्रग्स मिला। इसका मतलब राकेश का ड्रग्स से जरूर कोई लिंक है। पूछताछ करने पर मुझे पता चला उस दिन फार्म हाउस में राकेश के साथ डिटेक्टिव राघव और जर्नलिस्ट श्वेता भी थी। उस दिन ये लोग भी वहीं पर थे? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है सर, मर्डर के टाइम ये लोग भी वहां थे तो फिर सुबह सुबह एकदम अनजान बनकर इन्वेस्टिगेशन के बहाने आ गए। बात क्या है सर, उस दिन फार्म हाउस ये लोग क्यों गए? उस दिन पब में वॉशरूम के पास वेदविका और श्वेता। क्या हुआ, हैंगओवर है ना? थोड़ा सा। आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? या टुडे इज माय बर्थडे। ओह हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। थैंक यू, तुम्हारी ड्रेस भी बहुत अच्छी है। ओके थैंक यू। मेरी बर्थडे पार्टी है, आओगे क्या? कहाँ? मेरे बॉयफ्रेंड के फार्म हाउस पे। ओह ठीक है ठीक है, आऊंगी। ओके चलो। ठीक है चलो। ए राकेश थैंक्स यार। ए कोई दोस्त को थैंक्स वगैरह बोलता है क्या? मेरे फार्म हाउस पर चल, और भी पार्टी रखी है, बहुत पैसे हैं। हाँ जाना, जल्दी से बाइक लेकर आ जा। तो बाइक पर आ, मैं वेदविका के साथ आऊंगा। जल्दी जा, मैं मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर आता हूँ। हाँ अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ में लेकर आ। हाँ समझ गया। आजा बेबी, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बेबी। बाइक पंचर हो गई। Cheers. Baby, love you. Happy birthday. Thank you. Happy birthday, Vedvika. Thank you, sweetheart. Shweta madam, आप इसे चिक चिक करके दबा रही हैं, क्यों दबा रही हैं? ये माइंड रिलैक्स के लिए ऐसा कर रही है। सब लोग बॉल यूज करते हैं और मैं पेन यूज करती हूँ। ओके मेरे लिए तो मेरी स्ट्रेस रिलीफ मेरी बेबी है। थैंक यू बेबी, लव यू बेबी। ये वंशी और रेणुका कब तक आएंगे? वो रास्ते में होंगे, ये लोग हमेशा ही लेट आते हैं। Hey guys, ये राघव है। अरे आ गया, इसने मेरी बाइक ठीक करने में हेल्प की। नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू। ये राघव है। हेलो हेलो हेलो, प्लीज सिट। हैव अ बियर। अरे लो ना, पियो ना। थोड़ा सा। यू गाइस क्या कर रहे हो? तुम पीते नहीं हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऑलरेडी पी लिया हूं। मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे, पीना जरूरी है। पियो। बेस्ट फ्रेंड है मेरा, लव यू यार। श्वेता मैडम आप करती क्या है? जर्नलिज्म में पीजी की है मैंने। जर्नलिज्म में पीजी मतलब रोज टीवी के सामने बैठकर न्यूज पढ़कर मैं आपकी श्वेता हूँ ये कहती है क्या? क्राइम साइट पर फील्ड वर्क करती हूँ। वैसे गर्ल्स जर्नलिज्म में फील्ड वर्क नहीं करती है ना? और तुम क्या करते हो? मैं डिटेक्टिव हूँ। डिटेक्टिव? डिटेक्टिव मतलब ये कोई काम है क्या ब्रो? ये जॉब नहीं है ब्रो, एक तरह से पर्सनल काम है। केस सब आप ही ढूंढ कर लाते हैं क्या? सुपर। फर्स्ट टाइम एक लेडी क्राइम जर्नलिस्ट से मिली हूँ। और फर्स्ट टाइम एक डिटेक्टिव से भी मिली। और दोनों तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यस वाओ, इट्स माय बर्थडे स्पेशल। आई एम सो हैप्पी राकेश। थैंक यू गाइस,
मेरी बेबी के बर्थडे में आने के लिए। आप सबको एक सरप्राइज है। वाओ, क्या है? सब लोग गेस करो। ओ, नो। केक? ओके। तो फिर क्या है, तुम्हें बताओ। डायमंड रिंग भी नहीं है। तो फिर गोल्ड, कार, किक? किक मारने वाली चीज, यानी बाइक? नो। नया माल है, टेकन फ्रॉम माय फ्रेंड। दुनिया में किसी भी चीज में उतनी किक नहीं है जितनी इसके अंदर है। यू वांट दिस? वाओ, यू वांट दिस किक? तो लेना। मेरे यार, लव यू डियर ब्रो, इज अ गेस्ट ब्रो, टेक इट। ले लो, थैंक यू, टेक इट। और इसके लिए? अरे सॉरी बेबी, सॉरी श्वेता, तुम लोगों के लिए भी एक है। कहाँ गया? अरे मिल गया, टेक इट। वाओ, एंजॉय। नशा सर पर चढ़ चुका है। One second. मैं एक कॉल अटेंड करके आती हूँ। Okay. अर्जेंट कॉल। ब्रो, चाहिए तो ये दोनों भी पी लो, एंजॉय करो। Cheers. Cheers. बुजी, बोलो। सुपर। आप कहाँ चली गई मैडम? बिल दिए बिना ही चली गई। तुम पियोगे और बिल मैं भरूं? अरे मैडम, आपने ही तो कहा था पीने के लिए। क्या मैं गटर में गिरने के लिए बोलूं तो क्या गिर जाओगे? बेबी, मैं जाकर आता हूँ। जाओ। लगता है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं मैडम। तुम फोन रखो। वेस्ट फेलो। शुक्र है किसी ने देखा नहीं। मैडम, मैं हूँ, मैं। आप यहाँ पर अकेली क्यों खड़ी हैं मैडम? फोन पर बहुत बातें हो गई, चलिए डांस करते हैं ना। नो थैंक्स। मैडम, आपके साथ डांस करने की इच्छा हो रही है, चलिए ना। आई एम लीविंग दिस प्लेस। मैडम, 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 मैडम। एक्सक्यूज मी। यहाँ आप आई हैं अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ से जाएंगी मेरी मर्जी से, और मेरी पार्टी में आकर मेरी शराब पीकर मेरे साथ डांस नहीं करेगी तू? चल। नो नो, अरे चल, छोड़ो मुझे। अरे चल ना, छोड़ो। अरे अरे अरे, डिटेक्टिव सर, 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 डिटेक्टिव तो फिल्मों में कॉमेडी पीस दिखाते हैं, लेकिन आप तो यहाँ हीरो बन रहे हैं। तुम गलत कर रहे हो ब्रो, अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे में बुलाकर इस लड़की पर नजर डालना बिल्कुल गलत है। ब्रो, वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड उसके साथ एंजॉय कर रही है ब्रो। तुम लोगों की पार्टी है, तुम लोग कुछ भी करो, मैं इस लड़की को लेकर के जा रहा हूँ, समझे? ब्रो, अब देखो मैं तुम्हारे सामने इसे कैसे किस करता हूँ। एक बार बोला, समझ में नहीं आता तुझे? आइए मैडम, चलिए। राकेश, प्लीज उठो। राकेश, 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 प्लीज उठो। अब ये कौन सा नया ट्विस्ट है सर? उस राकेश का खून इस डिटेक्टिव ने किया है? ये क्या कह रहे हैं सर आप? सर आप कुछ भी स्टोरी बना रहे हो सर। किया? वो कुछ और बता रहा है, आप कुछ और बता रहे हो सर। ऐसे कैसे आप आरोप लगा सकते हो सर? यही सच है। क्या सबूत है? घटना कुछ इस तरह की है कि राकेश के साथ जो भी हुआ उसकी वजह यही दोनों है। इतनी सी बात है, सीधे सीधे कहूँ तो यहाँ बस इतना ही हुआ था। इस केस को तो आपने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया, आप सुपर है सर। कैसे किया सर? ये क्या कह रहे हैं आप? हो गए क्या?
सिंपल, सीसीटीवी फुटेज मिला है, जरा उस पर नजर डालो। ओके सर, मैं जरा बाहर से आता हूँ। सर मुझे लगता है आपको फंसा रहे हैं सर। सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हें भी फंसा रहा है क्या? मैं भी रात को मर्डर करके सुबह ऐसे चले आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बात क्या है? मैंने कुछ नहीं किया है मलिक सर, इस इंस्पेक्टर से हमारी पुरानी दुश्मनी है बस। ये सच है कि हम वहाँ गए थे और झगड़ा भी हुआ, मैंने उसे धक्का भी मारा था और राकेश नीचे गिर गया था, उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। मैं श्वेता मैडम को लेकर के वहाँ से बाहर चला गया था। तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन फिलहाल किसी पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। मेरी बात पर यकीन करिए मलिक सर, इस मर्डर से हमारा कोई वास्ता नहीं है, मुझे जाने दीजिए, नहीं तो ये इंस्पेक्टर हमें फंसा देगा सर। मुझे नहीं, इन्हें फंसा कर रखेगा। लेकिन तुम लोग पब में क्यों गए थे, उसके बाद तुम फार्म हाउस क्यों गए? उस पब में ड्रग्स है, ऐसा मुझे किसी ने फोन किया था सर। हेलो, कौन? हेलो राघव, कैसे हो? आप कौन है? मैं कौन हूँ ये तुझे जानने की जरूरत नहीं है, ड्रग माफिया के पीछे पड़ा है ना, बड़ा बड़ा केस सॉल्व करके बहुत बड़ा डिटेक्टिव बनना चाहता है। मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, सीधे वहीं चला जा, नहीं तो। हेलो 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 हेलो, किस नंबर से कॉल आया था दिखाओ। नंबर दिखाओ इन्हें, इसमें देखो जरा। सर मैंने इसमें भी सेव किए, ये देखिए सर, यही नंबर है। सर मुझे भी किसी का कॉल आया था। हेलो श्वेता मैडम, मैं व्हाट्सएप पर आपको एक फोटो भेज रहा हूँ, उसके पास ड्रग्स है, पुलिस के पकड़ने से पहले आप उसे पकड़ लीजिए। हेलो हेलो, आप कौन? हेलो कौन हो सकता है? हेलो बुजी, मैंने तुम्हें एक लोकेशन भेजी है, तुम जल्दी से वहां आ जाओ। दोनों को एक ही नंबर से फोन आया था क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है, जरा अपना फोन मुझे दिखाओ। लाइए बॉस। आप भी अपना फोन दीजिए। तो फिर आप लोग फार्म हाउस क्यों आए? पब में जाने के बाद मुझे वापस एक कॉल आया था। मुझे भी आया था। दोनों का? मलिक सर, मेरे फोन में कॉल कब आया था आप टाइम देख सकते हैं। सर मेरे फोन में भी देखिए। कॉल आने से चले जाओगे क्या? डर नाम की कोई चीज नहीं है, अब देखो क्या हो गया, मर्डर केस में फंस गए ना। सर अब आप क्या करोगे सर? कॉलेज डेज में कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए एक ड्रग केस में मैंने बहुत रिसर्च की थी, उसमें मुझे एमएलए के लिंक का पता चला। सही कहा, मैं एक बड़े केस को सॉल्व करके फेमस डिटेक्टिव बन गया हूँ। मेरे रिसर्च से मुझे पता चला है कि एमएलए का इस ड्रग केस में हाथ है सर। यस करेक्ट बॉस। ये तो कमाल हो गया, दोनों एक ही केस में रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए उस दिन पब में राकेश ड्रग्स के बारे में वंशी से बता रहा था, तब मैंने उसकी बात सुनी। मैंने भी सुनी है। ये सच है क्या सर? एक मलिक, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तब तक इनका ध्यान रखना। ओके सर ओके। एक मिनट, आपके सर को कोई प्रॉब्लम है क्या? ए, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, पूछ रहा। बंद रखो। उस दिन फार्म हाउस में राकेश, वेदविका, वंशी और रेणुका के अलावा ये लोग भी थे क्या? हाँ मलिक सर, लेकिन ये वंशी और रेणुका कहाँ है? वही तो, कहाँ है वो? मुझे उन लोगों पे डाउट हो रहा है सर, मुझे बस आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, वो कहीं भी हो मैं उन्हें ढूंढ कर वापस लेकर के आऊंगा। हेलो बॉस, आप भूल रहे हैं, इस केस में मैं भी हूँ, आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ए बॉस, तुम हो या मैं? मैं हूँ। सॉरी सर, आप भी हो सर, लेकिन मेरी बात तो सर, तो अपना मुंह बंद रखो। तुम दोनों को बाहर छोड़ दूं? हाँ। मुझे पागल समझा है क्या? इंस्पेक्टर साहब मेरी जान ले लेंगे। मलिक सर, आपका दिल बहुत बड़ा है सर, फिलहाल मेरी जान खतरे में है सर, मैं वादा करता हूँ उन्हें कहीं से भी पकड़ कर ले आऊंगा, आप उस लड़की को संभालिए। मैं उस लड़की को रखूं? सर ये क्या कर रहे हो सर आप, यहाँ जान खतरे में सर, आप इस टाइम मजाक सोच रहे हैं आपको सर? मलिक सर इतना मत सोचिए सर, जाने दीजिए मलिक सर। आधे घंटे में वापस आ जाना। सर ये सच में वापस आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? आऊंगा, पक्का आऊंगा। तुम कोई मेरे पति हो क्या जो वापस लौट कर आओगे? सर ये गया तो वापस नहीं आएगा, नो डाउट। मैं पक्का आऊंगा मलिक सर, बिलीव मी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। और मैं क्या करूँ? तू भी चल। Sure. अरे चलना।
चलिए आप चलिए चलिए, आपको भी आना है क्या? चप्पल से मारूंगी, चुपचाप निकल। अरे मैं तो जोक कर रहा था बेबी। मलिक सर, यही है वंशी। अच्छा तू ही वंशी है? हाँ सर। बता तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ आ रही है? ए, कल रात को इसी फार्म हाउस में पार्टी मनाई ना, और अब यहाँ खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहा था। तुम लोगों ने राकेश के साथ क्या किया? सर, आपका और राकेश का झगड़ा हुआ था तब कुछ नहीं हुआ था सर, लेकिन उसी वक्त मुझे दूसरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया और मैं चला गया। अगर चला गया था तो वापस क्यों आया? सर, मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया था, कह रहा था फार्म हाउस नहीं पहुंचा तो वो मुझे जान से मार डालेगा। मलिक सर, मेरे फोन से और इसके फोन से जो कॉल आई थी वो एक ही नंबर से था। आप चेक कीजिए सर। चल तेरा फोन दिखा। ये लीजिए सर। यही नंबर है क्या सर? देखो, इंस्पेक्टर को इन दोनों ने ही फोन किया है ये कह रहा है, लेकिन वहां क्या हुआ ये तुम सबको अच्छी तरह पता है। सच बताओ। सच बता दोगे तो मैं तुम लोगों को बचाने में मदद करूंगा। प्लीज कोई तो बताइए। मलिक सर प्लीज, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं सर। उस दिन रात को पार्टी के बाद मुझे चक्कर आया और मैं गिर गई, फिर अचानक बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई, जाकर देखा तो वो नीचे पड़ा था। इस मर्डर के पीछे उस इंस्पेक्टर के अलावा किसी और का भी हाथ लगता है सर? हाँ बॉस। क्योंकि उसने सबको अरेस्ट कर लिया लेकिन किसी को पुलिस स्टेशन लेकर के नहीं गया है वो। सही कहा बॉस। जिस नंबर से हमें कॉल आया है उसी नंबर से इंस्पेक्टर को कॉल आया है नहीं, ये हमें वेरीफाई करना चाहिए। बराबर का तो नहीं है पर क्या फोन है ना मेरे पास। तूने ये भी निकाल लिया? इतनी छुटेगी बॉस। देखो वेरीफाई करो। हाँ सर अभी करता हूँ। वेरीफाई करो। तू भी देखना बॉस, सेम नंबर। व्हाट्सएप चेक करो जल्दी। सर पकड़ी बॉस, इसमें हमारी पूरी चैटिंग है बॉस। प्ले द रिकॉर्डेड मैसेज। ठीक है बॉस, ये तो हम सबको एनकाउंटर करने की बात में सर, जल्दी कुछ करना होगा बॉस। बॉस एक और बात, मुझे इससे और एक चीज पता चली बॉस, थोड़ा डरपोक किस्म का आदमी है, इसने फोन के लिए पासवर्ड रखा है। समझ में आ गया मालिक सर। आ रहा बॉस। गेट रेडी फॉर योर प्रमोशन सर। शुगर पेशेंट, शुगर पेशेंट लगता है सर, बार बार जा रहा है वॉशरूम। हाँ बैग लेकर आया है। ए मलिक, ये बैग उठा कर ले जाओ। ये सब क्या है सर? पैसे लेकर आप इनका यहीं पर एनकाउंटर करना चाहते हैं? मैटर क्या है बताइए, नहीं तो मैं एसपी साहब को फोन करके सब बता दूंगा। अच्छा, लगता है तू सीधी तरह नहीं मानेगा। सर सब ऊपर है सर। ए, यहां से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। पापा। ए, ये आदमी भी यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। सबको बाहर बुला कर लाओ। जी सर। सर सर बड़े साहब आपको बुला रहे हैं सर। कौन बड़ा साहब? पता नहीं सर, बहुत बड़े साहब लग रहे हैं सर। हाँ? सर अभी बड़ा साहब कौन आ गया? पता नहीं कौन कौन इस केस में जुड़े हुए हैं। चलो चलो चल के देखते हैं। ठीक है चलो। We'll be right back.
कांस्टेबल सर, इन सबको अरेस्ट करो और साथ साथ इनको भी। सर, हमें राकेश के खूनी को पकड़ना है ना सर, और मैं वही कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। जैसा आपने कहा था, उन सबको पकड़ के बंद कर दिया है। अभी FIR नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन के बहाने उन्हें रोक कर रखा हुआ है। गेट के पास फेक जर्नलिस्ट को खड़ा किया है इन्वेस्टिगेशन के बहाने। कल उनका एनकाउंटर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। एक काम जो तुम्हें सौंप दिया जाए, तुम उसे अच्छी तरह पूरा करते हो। थैंक यू। ये लो बादशाह, तुम्हारे काम का इनाम। थैंक यू। ओके। ए, बहुत हीरो बनता था। आज निकालता हूँ तेरी हीरो की। ये ले। क्या हुआ सर, अचानक से मिलने आ गए? एनकाउंटर हो गया। पैसे? पहले अच्छे से काम कर लो। पहले मेरे पैसे दे दो, नहीं तो तुम जानते हो ना। थैंक यू प्रताप, थैंक यू वेरी मच। गुड। हाँ, ये तो पक्का प्लान है। तुम्हें यूनिफॉर्म इसलिए दी गई है ताकि तुम जनता की सेवा कर सको, ना कि नेताओं की गुलामी करने के लिए। ये है। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, यहाँ बैठो बेटा, बताओ। पापा, वो तो बोलो बेटा, बोलो। वो क्या है, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ पापा, वही मैंने बताया था ना, मेरा फ्रेंड राकेश। क्या, उस मिडिल क्लास लड़के से तुम प्यार करती हो? मैंने दूध बेचा, फूल बेचा, बहुत मेहनत की, बहुत सारे काम करके पसीना बहाया अपना, तब जाकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं आज जिस जगह पर पहुँचा उसकी वैल्यू मैं जानता हूँ, उसके बाद भी तुम? पापा, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैं नहीं सुनूंगा। ऐसी बात नहीं है पापा, राकेश बहुत ही अच्छा लड़का मैं है। नहीं सुनना चाहता हूँ, जाओ यहाँ से। ए, तुम भी कहीं अपनी बहन की तरह इस प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना, समझे? पापा, मैं तो आपके जैसा हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारे आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं है, ये तुम्हें पता है। सच में तुम राकेश से प्यार करती तो किसी भी तरह तुम अपने पापा को मना लेती। राकेश की मौत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। मैं अपनी जान से भी ज्यादा उससे प्यार करती थी, और ऐसे में अपने ही प्यार को कैसे मार सकती हूँ सर? लैला मजनू जैसी लव स्टोरी नहीं है तुम्हारी, फिर भी न जाने तुम क्यों झूठे प्यार के सहारे जी रही हो। 25 ईयर्स मेरी परवरिश करने वाले मेरे पापा को छोड़कर इस पर भरोसा करके आई थी, उससे प्यार करती थी, इसीलिए। मेरी बातें कोई भी सुनना नहीं चाहता, वो भी सुनना नहीं चाहता। तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें समझाने से क्या फायदा? वो मेरी बेटी का इस्तेमाल करके मेरी जायदाद हथियाना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। पहले तुम्हें अपनी बेटी को कंट्रोल में रखना चाहिए था। यहाँ के बारे में मुझे कैसे पता चला कहकर हैरानी हो रही है। फॉरेंसिक ऑफिसर साई ने और डिटेक्टिव राघो ने पब में मिले हुए फुटेज को, फार्म हाउस से मिले हुए फुटेज को सब ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप सबकी असलियत हमें पता चली। ए, मैं कौन हूँ तुम जानते हो? तुम कौन हो जानता हूँ, तुम क्या करने वाले हो ये भी जानता हूँ। ज्यादा बात करोगे तो तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा। कांस्टेबल सर, इन सबको अरेस्ट कर लो। सर, जल्दी से अरेस्ट करो। अरे हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हो सर, हमने क्या किया सर? सर मुझे अरेस्ट करो चलेगा सर, लेकिन आपको हमारे सर के बारे में पता है सर? इस एरिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव है मिस्टर राघव सर। चाहे कितना भी बड़ा डिटेक्टिव क्यों ना हो, गलत करेगा तो कटघरे में खड़ा होना ही पड़ता है। सर, हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इसमें हमारी क्या गलती है सर? सुबह उठते ही भगवान मुझे मर्डर केस चाहिए, किसी एक का मर्डर करवा दो, ऐसा सुबह बोलते हो ना? सर, हमारी मैडम बहुत सिंसियर है सर। ए, मुझे पता है, चुप रहो, मुझे बोलने दो। सर, ओके मैडम, आप मुझे बहुत गलत समझ रहे हैं, और वैसे भी एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है। मुझे अरेस्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको पता है ना? सर, वी आर मीडिया। हाँ सर। क्या सर, वी आर प्रोफेशनल्स, हम गुनाहगारों को पकड़ कर देते हैं, लेकिन गुनाह करना हमारा प्रोफेशन नहीं है सर। प्रोफेशनल्स हैं, एक छोटे से केस मिलने पर उसे यहाँ वहाँ घूम घूम कर किसी भी तरह फेमस होने के बारे में सोचने वाले तुम लोग प्रोफेशनल हो क्या? सर, हम एंजॉय कर रहे थे सर, लेकिन ऐसा होगा पता नहीं था सर। सांप मारने वाले के हाथों में किसी ने डंडा भी दिया है, यहाँ सिर्फ मर्डर करने वाला ही क्रिमिनल नहीं, मर्डर के लिए हेल्प करने वाले सभी क्रिमिनल हैं। खाना बनाने वाले भी क्रिमिनल है क्या सर? सर, हम काम करके अपना पेट भर रहे हैं सर, अगर आपने हमें अरेस्ट कर लिया हमारे परिवार का क्या होगा सर? जेल में काम करते हुए जीवन बिताओ,
सर अंदर आइए, वो लोग यहीं पर है। ए, तुम जाओ। ठीक है सर। जाओ। शराब पीकर सो रहा है। ये मर्डर तुमने नहीं किया है ये कहकर झूठ बोलोगे क्या? मेरे पास एविडेंस है, इसलिए अपना जुर्म कबूल करो। जी हाँ सर, कत्ल मैंने ही किया है, लेकिन कत्ल करते समय मुझे ये गुनाह नहीं लगा था सर। मैं जानता हूँ तुम अच्छी बातों से मानने वाले इंसान नहीं हो। आखिर तुमने उसे क्यों मारा, उसने क्या किया? लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा कर उन्हें फार्म हाउस में ले जाकर ये ड्रग्स दिया करता था सर। मैंने अभी अभी बताया था, मैं यहाँ सब कुछ जानकर ही आया हूँ। नई कहानी मत सुनाओ, मुझे पता है तुमने ही उसे ड्रग्स देकर उसका मर्डर किया है। मैं क्या करता सर, उस एमएलए ने मर्डर करने के लिए कहा और मैंने कर दिया। सर आप यूथ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर आजकल के नौजवान रास्ते से भटक रहे हैं, लव करने के बाद पब में जाते हैं, नशीली ड्रग्स लेकर बर्बाद हो जाते हैं या फिर फार्म हाउस में जाते हैं, ये सब फैशन हो गया है। नौजवानों को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कोई भी सच्चाई का रास्ता नहीं दिखा सकता। माँ बाप के प्यार के सामने उनका प्यार किसी काम का नहीं, इसी बात को मीडिया के सामने बताना मेरा सपना था। थैंक यू। थैंक यू गुरुजी, हाथ में खुजली हो रही है लेकिन पैसा ही नहीं आ रहा है। मेरे साथ गुरुजी यही हो रहा है। वहाँ से कोई आ रहा है, उसे छोड़िए मत, बुलाइए। ए, इधर आओ। लव यू डार्लिंग, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो अच्छे है ना, सब कुशल मंगल है ना। गुरुजी ये लड़का पहले जैसा नहीं रहा, यहाँ वहाँ घूमता ही रहता है, अब मिला है ना, मैटर क्या है, पूछे इससे। क्या आजकल दिखाई नहीं दे रहा, अपने जीजा को ही भूल गया। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की से प्यार हो गया है। वैसे प्यार होने के बाद पब में पार्टी में अभी उसी से बात कर रहा था, बहुत पैसे वाली। कार में अच्छे से घूम रहा लड़की के साथ। सही है सही है, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, लड़की मिल गई तो अपने जीजा को ही भूल गए तुम। सब कुछ बताते हो गुरु, लेकिन जो हॉट बातें होती है वो नहीं बताते हो, बड़े चालू हो तुम तो गुरु। अरे जीजा जी ऐसा गुरु जी, जिसे प्यार हो जाता है ना उससे ऐसी बातें मत कीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि दो दिन बाद इसका बर्थडे आने वाला है ना, उस बर्थडे की पार्टी में मैं हद से ज्यादा शराब पीकर गोल गोल घूमते हुए आसमान में उड़ते रहूंगा। आपको सिर्फ पार्टी चाहिए ना, तो आज भी एक पार्टी है, यहाँ खड़े होकर बात करने के बदले वहाँ जाकर बात करते हैं। आज तो एंजॉय करेंगे, आपको फौरन की शराब चलेगी ना। वैसे अब ये वेदविका कहाँ है? मुझे क्या पता, उसी को पता होगा ना, तुम उसी से पूछ लो। मुझे क्या पता, मेरे डैडी ने वेब सीरीज देखकर मुझे स्टोरी सुनाई थी, वही मैंने सुनाई है। अरे मैं सच समझकर डर गया था यार। अरे तुम लोग सब कौन हो और अंदर कैसे आए तुम लोग? सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, यही हमें लेके आया था। हाँ अंकल, यही हमें अंदर लेकर के आया है। ए, तुम अंदर क्यों लेकर आए? बोर हो रहा था इसलिए अंदर आ गए, आपको पसंद नहीं है तो चले जाओ। यहाँ यहाँ, तुम्हारा नाम क्या है? राकेश, मैं विद्या का बॉयफ्रेंड हूँ। चलो सब बाहर चलो। मैंने पहले ही कहा था ना, इस पर भरोसा करना बेकार है। थोड़ी देर में चले जाएंगे अंकल। चलो जाओ। जो भी आता है वेदविका और राकेश के बारे में ही बात करता है। छोटे से बच्चे लेकिन बड़े बड़े काम करने आए।
चाहिए तो पैसे दे दूंगा। अरे निकलो, चलो जाओ यहाँ से। अरे सुना बताओ ब्रो, पैसे चाहिए तो अभी दे देता हूँ। अरे बाहर निकलो। अंकल मान जाइए ना अंकल, पैसे ले लीजिए। निकलो, चलो निकलो, मैंने कहा ना मैं दोबारा नहीं कहूंगा, चलो निकलो। जा रहा हूँ ना मैं, पुलिस कंप्लेन कर दूंगा अगर वापस आए तो।